हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकी किचन्स। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मैंगो साल्सा सैलेड। मैंगो साल्सा सैलेड को हम क्रिस्पी डोरिटोस के साथ सर्व करेंगे। क्रिस्पी डोरिटोस के साथ मैंगो साल्सा सैलेड बहुत ही यमी लगता है। किसी भी तरह के आटे के साथ इसको खा सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे रेसिपी। फ्रेंड्स, मैंगो साल्सा बनाने के लिए ये देखिए, हमें बिल्कुल पका हुआ मैंगो चाहिए, कच्चा आम नहीं चाहिए, पका हुआ मैंगो चाहिए। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसके पीसेस कट करके रखे हैं। एक बाउल में इसको शिफ्ट कर लेंगे। ये देखिए, हल्का हल्का अगर मैंगो को हम यूं प्रेस कर लेंगे तो ये साल्सा बहुत ही बढ़िया बनेगा। बिल्कुल हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे इस तरह से, बस। अब इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। एक छोटे साइज का प्याज बारीक चॉप करके रखा है मैंने। थोड़ी सी बिल्कुल शिमला मिर्च है, छोटी शिमला मिर्च, वो भी आधी है। और एक टमाटर है और एक हरी मिर्च बारीक चॉप करके ये सब चीजें इसमें ऐड कर देंगे। एक छोटा इससे क्यूकम्बर का पीस है, इसको भी कट कर लेंगे छोटा छोटा। स्पाइसेस ऐड करेंगे। काला नमक है 1/4 टीस्पून, इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी, 1/4 टीस्पून ही। ये काली मिर्च और इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, जिससे कि हमारे साल्सा का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। चटपटा बनाने के लिए थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जितना ही इसमें चाट का मसाला ऐड कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे लेमन यानी नींबू। ये देखिए, नींबू कट करके रखा है, सीड्स इसके मैंने निकाल दिए। दो नींबू का रस इसमें डाल देंगे। ये आधा छोटा चम्मच पीसी हुई चीनी है। बस इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। हल्का हल्का मिक्स करेंगे और हल्का हल्का प्रेस भी कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। ये गया खूब सारा हरा धनिया। बस अब मिक्स कर लीजिए। अब मैं आपको ये साल्सा सर्व करके दिखाती हूँ। ये सैलेड प्लेट मेरी रेडी है। इसमें हम डालेंगे इस तरह से साल्सा। ये यमी से डोरिटोस हैं, साल्सा सैलेड डोरिटोस के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है। ऐसे आप किसी चीज के साथ भी इसको खाएंगे, इवन सिंपल सी खिचड़ी के साथ भी अगर इसको खाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। जरूर से ट्राई कीजिए, आप इस रेसिपी को बहुत ही पसंद आएगी। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आएगी।